हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने जो आगे का जो वीडियो श्रृंखला में हमने किडनी के बारे में हमने कई वीडियो बताया हुआ है, इसकी हम लिंक आपको नीचे बताते हैं। तो आप एक्यूट रीनल फेलियर हो या क्रॉनिक रीनल फेलियर हो, या आपको कोई स्टोन का प्रॉब्लम हो, एल्बुमिनुरिया का प्रॉब्लम हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो, ल्यूपस नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम हो, हीमोचूरिया का प्रॉब्लम हो या किडनी फेलियर का प्रॉब्लम हो, तो इसका सब हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसकी लिंक मैंने मेरा सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप जाके इसके बारे में भी आप माहिती ले सकते हैं। जो आज का वीडियो है बहुत टिपिकल है, ये किडनी के बारे में है। ये 1 लाख में से 1 व्यक्ति को ये रोग होता है, पर ये भी रोग किडनी के लिए है और सीरियस डिजीज़ है, जिसको हम रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन बोलते हैं। रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन मीन्स जो हमारा पेशाब होता है किडनी में से जो खून वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ये यूरेटर से यूरिन ब्लेडर में जाके हमारा पेशाब बाहर निकलता है। पर कई कंडीशन ये यूरिन हमारा किडनी तरफ धकेलता है, जिसको रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन या मेडिकल भाषा में वेरिको यूरेटर्स रिफ्लेक्ट भी बोला जाता है। तो ये कई कंडीशन में ये कई बार डेंजरस भी होता है और कई बार तो हमारा किडनी भी लॉन्ग टर्म किडनी बगाड़ देता है, और इसके जरिए भी रीनल हाइपरटेंशन होता है। कई बार हाइपरटेंशन रीनल फेलियर ऐसा बोलता है तो हमारा ब्लड प्रेशर से किडनी का फेलियर होता है, पर इसमें रीनल हाइपरटेंशन बोला जाता है, मीन्स किडनी की वजह से हमारा हाइपरटेंशन होता है। और यही कंडीशन मेनली जो है ये रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन में पाया गया है। तो रिफ्लक्ट ऑफ यूरिन का कौन सा कॉज है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है और इसका क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये वीडियो में माहितगार करूंगा। तो मित्रों, ये जो रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन है, इसको मेडिकल भाषा में मैंने आपको बताया कि वेरिको यूरेटर्स रिफ्लेक्ट भी बोला जाता है। इसमें जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्स होता है, इसमें जो नली होता है, इसमें भी छोटे छोटे हमारे बालों जैसा पोर्स होता है, ये नीचे की तरफ रहता है। जब भी हमारा यूरिन किडनी में से निकलता है तो ये धकेल के ब्लेडर तरफ लेता है और धकेल के नीचे हमारा यूरिन पास होने का संभावना रहती है। पर कई कारणों से ये हमारा यूरिन में जो नीचे नीचे हमारा पोर होता है, जो सूक्ष्म रेसे होते हैं, ये ऊपर की तरफ होता है तो ये किडनी में ऊपर धकेलने का काम करता है और इसके जरिए हमारा ये रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन रहने का संभावना रहता है। तो मित्रा, सबसे पहला उसका कॉज है ये क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। कई बार हमारा पेशाब में इन्फेक्शन होता है तो इसके जरिए भी ये रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन रहने की संभावना रहती है। कई बार हमारा जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में कई बार जब हम यूरिन में जाते हैं तो पूरा यूरिन जो हमारे जो मूत्राशय में बाहर फेंकता नहीं है, पूस वॉइड रह जाता है। लेकिन जब आप सोनोग्राफी कराते हैं तो कई बार पेशाब, हमारे जो डॉक्टर सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर बोलते हैं कि आपको किडनी की और ब्लेडर की सोनोग्राफी करने का है तो पानी पी के आइए। हम पानी पी के जाते हैं तो पहले सोनोग्राफी करते हैं, बाद में पानी वो यूरिन करने को आपको एडवाइस करता है। यूरिन करने के बाद फिर से सोनोग्राफी करते हैं, क्योंकि हमारा जो कोथरी होता है, ब्लेडर होता है, इसमें रेसिड्यूल यूरिन पास करने के बाद कितना यूरिन अंदर रहता है, ये जो आपका 40 ml से जो ज़्यादा होता है तो ये बाहर निकलने जगह से ये ऊपर चला जाता है, तो इससे भी हमको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट होने की संभावना रहती है। कई बार हमारा जो पेशाब में क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है तो हमारा ब्लेडर वाल में भी, ब्लेडर की इंटरनल दीवार में भी इसका एक लेयर बन जाता है, इनमें इस इन्फेक्शन हो जाता है और हमारा जो ब्लेडर इंटरनल वॉल है ये वीक पड़ जाती है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूरिन नीचे धकेलना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्शन वजह से जो रेसिडुअल यूरिन है ये किडनी तरफ धकेलता है। तो एक तो किडनी में लाखों नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होता है और यूरिन की मात्रा अंदर जाती है और अंदर भी यूरिन रहता है, तो ये प्रेशर करता है और नेफ्रॉन्स धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो हर रोज 30 से 40 हज़ार नेफ्रॉन जो ब्रेक डाउन हो जाता है तो लंबे टाइम आपकी जो किडनी के कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है और किडनी फेलियर भी हो सकता है। कई बार तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन रह जाता है, पेशाब बाहर निकलता नहीं है, ये पेशाब बाहर धकेलता है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी आपको ये रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन रहने की संभावना रहती है।
कई बार बच्चों में, छोटे बच्चों में आपको जो आलबिबिनुरिया जाता है, तो जो उसका यूरिनरी ट्रैक जो होता है वीक होता है, उसका मसल कॉन्ट्रैक्शंस नॉर्मल पर्सन से कम होता है, तो इसकी वजह से भी बच्चों में भी ये इन्फेक्शन की वजह से भी रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन पाया गया है। मिडल एज में जिन लोगों को बार बार स्टोन्स होता है, उनको भी गैस्ट्रिक, उनको भी ये यूरिन रिफ्लेक्ट होने का कॉम्प्लिकेशंस है। कई बार तो दर्दी को हैवी मास्टर्बेशंस करता है, तो इसमें जो यूरिन यूरिन की जो नली होता है, इसमें स्टिनोसिस हो जाता है, सांकड़ी हो जाती है नली, जिसको स्ट्रिंक्चर ऑफ यूरेथ्रा बोलते हैं। इसके जरिए जो पेशाब जब धक्का मारता है तो नीचे ग्रेविटेशन फ्लोर से नीचे आना चाहिए, पर ये पेशाब कई बार किडनी तरफ धकेलता है, तो ये स्ट्रिंक्चर ऑफ यूरेथ्रा की वजह से जो आपको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट हो सकता है, और इसके जरिए भी आपको रिनल फेलियर होने की संभावना रहती है। कई बार तो स्पर्मेटोहूरिया, या आप हैवी मास्टर्बेशन करते हैं, या आप कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी रहना नहीं चाहते हैं, तो जब भी आप एक्सट्रीम पोजीशन में आपका वाइफ के साथ रहते हैं तब वो विड्रॉन करते हैं, तो ये जो स्पर्म काउंट है बाहर निकलने की जगह से ये विड्रॉन होके ब्लेडर में चले जाते हैं। पर कई बार ये जो स्पर्मेटोरियन में इन्फेक्शंस होता है, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है, बार बार करने से आपको मेंटली एंड फिजिकली भी नर्वसनेस लग सकता है, आपका पार्टनर को भी नर्वसनेस हो सकता है, और इसके वजह से भी ये आपका यूरिन में वाइट डिस्चार्ज जाता है, पर्टिकुलर मेल को ये आपको लगता है कि कोई बीमारी है, पर ये स्पर्मेटोहूरिया हो सकता है। कई बार तो इसकी साइड इफेक्ट में छोटे बच्चों में भी बेड वेटिंग रहता है, मेल में होता है तो नाइटफॉल का भी प्रॉब्लम रहता है, और यही प्रॉब्लम उनको जो रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन में कन्वर्ट होने की संभावना रहती है। तो मित्रों ये मोटा मोटी की कॉज है। इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, पर्टिकुलरली जो भी किडनी डिजीज का जो पेशेंट्स होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स सेम लगता होता है। दर्दी को पेशाब करने में तकलीफ होता है, जलन होता है, बर्निंग होता है, कमर में दर्द रहता है, शरीर में स्वेलिंग हो जाता है, दर्दी को अशक्ति लगता है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, थोड़ा भी चलो तो श्वास चलने लग जाता है, छाती में पालपिटेशन हो जाता है, दर्दी को ड्राई कफ रहता है, भूख नहीं लगता है, कॉन्स्टिपेशन कई बार डायरिया में भी कन्वर्ट हो जाता है, दर्दी को भूलने की बीमारी हो जाता है, और आँखों के नीचे स्वेलिंग हो जाता है, आँख में भी धुंधला दिखने लग जाता है। इसकी वजह से दर्दी को डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाता है, और कई बार तो दर्दी सिजोफेनिक भी होने की संभावना रहती है, जो सेकंड स्टेज में उनको जो रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन है और अर्ली डायग्नोसिस नहीं करता है, तो कई बार उसका सारा बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। मित्रों जो उसके आप बहुत केयर नहीं करो और उसको आप अच्छी तरह जो दवा नहीं लेते हैं, तो आपको रिनल फेलियर होने की भी संभावना रह सकती है, और आपको पेशाब में प्रोटीन जाना, अल्बुमिनूरिया भी होने की संभावना रहती है। इसके जरिए आपको यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए कैसे डायग्नोसिस करते हैं, तो सबसे पहले तो पेशेंट हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं कि भाई कब से ये प्रॉब्लम है, कब से सिम्टम्स आ रहा है, आपके फैमिली में किसको किडनी डिजीज है एक नहीं है, आपकी स्टोन की हिस्ट्री बनी है एक नहीं है। हम उसका यूरिन की जांच कराते हैं, इसका सोनोग्राफी कराते हैं, कई बार आधुनिक साइंस होता है तो उसको एंडोस्कोप करते हैं, सिस्टोस्कोप जिसको बोलते हैं, MRI करते हैं और CT स्कैन भी करते हैं, तो ऐसी तरह उसको डायग्नोसिस किया जाता है। 24 आवर्स का हम यूरिन कलेक्शन लेते हैं और दर्दी को ऐसे तरह डायग्नोसिस किया जाता है। मित्रों जब भी आपको रिफ्रैक्ट ऑफ यूरिन की संभावना लगे और आपको बोला गया हो या वार्निंग किया हो, तो आप एक तो रेगुलर लाइफस्टाइल कीजिए, आपको स्मोकिंग या टोबैको की हैबिट्स है ये अवॉइड कर दीजिए, सेडेंटरी का लाइफ हो, ज़्यादा वजन हो तो आप कंट्रोल कीजिए, रेगुलर वॉक कीजिए, योगा कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, आपको आउटसाइड जो फूड है ये अवॉइड करो, खुराक में भी वसा की मात्रा कम करो, और मेडिटेशन करो तो आपका मन भी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, शरीर भी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, बार बार बीच में एक उपवास करो, या नहीं तो आपका जो भी ग्रीन वेजिटेबल लेके भी आप एक जो मील होता है ये स्किप करो, तो आपका शरीर में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बना रहेगा, शरीर में आपका जो वाटर इलेक्ट्रोड बैलेंस रहेगा, किडनी के लिए ज़्यादातर इलेक्ट्रोड सोडियम जरूरी होता है, और सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस होने की वजह से हाइपरटेंशन होता है, उसको रीनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म ऐसा रहता है तो आपको किडनी फेलियर होने की संभावना रहती है।
तो मित्रों इसमें होम्योपैथिक में क्या आपको लेना चाहिए, तो होम्योपैथिक में इसकी मास्टर ड्रग्स है, तो आपको होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। मैं आपको होम्योपैथिक दवा आपको बताता हूँ। जब भी आपका क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा बढ़ गया हो, 4 से 5 क्रिएटिनिन हो, और आपका शरीर में सूजन आ गया हो, आपको वार्निंग दिया गया हो दर्दी कभी जो लॉन्ग टर्म नहीं ले तो डायलिसिस करना पड़ेगा, वीकनेस आए, ऐसी कंडीशन में प्लम्बम मेटालिकम 200 पोटेंसी में आपको लेना चाहिए। प्लम्बम मेटालिकम जो शरीर में जो किडनी वीक पड़ जाती है, यूरिन ट्रैक में जो वीकनेस आ गई है, इन्फेक्शन हो, यूरिन कम हो जाता है, तभी कंडीशन में आप प्लम्बम मेटालिकम का उपयोग करना चाहिए। 30 पोटेंसी में लेना, 200 पोटेंसी में लेना चाहिए, और हर रोज़ एक ही डोज लेना चाहिए। दूसरा नंबर की दवा है एपिस मेलिफिका। जिन लोगों को सारा शरीर में स्वेलिंग आ गया हो या श्वास चढ़ता हो, वाटर रिटेंशन हो जाए, बिल्कुल यूरिन नहीं निकले, हमारा जो किडनी है यूरिन बाहर फेंकने की जो प्रक्रिया स्लो डाउन कर देता है, कई बार ब्रेक डाउन कर देता है, ये जो हमारा वाटर है रिटेंशन हो जाता है ब्लड के टिश्यू में हो जाता है, और हमको स्वेलिंग हो जाता है, और इसके वजह से हमको ब्रेडलेसनेस हो जाता है, ब्लड प्रेशर शूट अप करता है, आँखों के नीचे स्वेलिंग हो जाता है, आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी सब कुछ लगे, फिश हाथ पैर में जलन लगे, और शरीर की जो स्किन होता है ये पतली हो जाता है, जगह जगह आपको पैटेचियल हेमरेज मीन्स रेडिश ब्राउनिश स्पॉट लगे, क्योंकि जो स्किन के नीचे जो नसें कई बार फट जाती है ज़्यादा वाटर रिटेंशन होने के कारण, तो ऐसी कंडीशन हो जाए तो आपको एपिस मेलिफिका नाम की दवा का उपयोग करना चाहिए। मित्रों जो बार बार जिसको स्टोन होता है और स्टोन की वजह से उसको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है, तो कैल्केरिया रेनालिस नाम की जो दवा है, ये ब्लेडर का जो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आता है और ये ऊपर जाना चाहिए पर ब्लेडर नीचे यूरिन जाना चाहिए, इसके वजह से उल्टा जाता है, किडनी तरफ जाता है, तो कैल्केरिया रेनालिस दवा, ये एक दवा 3 रोगों में काम करता है, स्टोन को भी ब्रेक डाउन करता है, सेकेंड थिंग जो हमारा इनर वॉल है ब्लेडर का उसको भी स्ट्रेंथन बनाता है, और सेकंड थिंग जो हमारा यूरिन में इन्फेक्शन होता है उसको भी रिमूव करता है। तो कैल्केरिया रेनालिस दवा आपको लेना चाहिए, ये बहुत अद्भुत दवा है, ये भी आपको 30 पोटेंसी से ज़्यादा नहीं लेने का है, सुबह दोपहर शाम को लेने का है, ये दवा आपको इसी तरह ठीक कर सकता है। मित्रों कई बार आपको सारा शरीर में जलन लगे, पानी की प्यास लगे, स्वेलिंग लगे, आपको कंटिन्यूस फियर लगे, वरीड नेचर हो जाए, अननेसेसरी स्वेटिंग आ जाए, नींद नहीं आती है, आपका पैर में शक्ति नहीं रहता है, आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो जाए पर यूरिन बाहर होता नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, बेचैनी लगता है, आपको घबराहट लगता है, फीवर ठंड लग के फीवर आता है, तब आप आर्सेनिक काल का उपयोग करना चाहिए। तो आर्सेनिक काल 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। ये क्या करता है कि शरीर में से जो भी हमारा शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से शरीर में एसिडिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गया हो, तो आर्सेनिक काल हमारा शरीर को जो एसिडिक है उसको अल्कलाइड कर देता है, धीरे धीरे किडनी में जो नेफ्रॉन्स में उसकी कार्यक्षमता बढ़ाता है, इनर वॉल में जो भी वीकनेस आई हुई उसको रिस्टोर करता है, यूरिन की मात्रा बढ़ाता है, यूरिन आउटपुट रहता है, दर्दी को रिस्टोर मेंटली एंड फिजिकली करता है, तो ये होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है। मित्रों आगे की जो दवा है कैनाबिस इंडिका, ये कैनाबिस इंडिका इज अ मास्टर ड्रग्स फॉर जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट हो, जिन लोगों को प्रोस्टेट का पोस्ट ऑपरेटिव के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आया हो और उनका ब्लेडर बिल्कुल शिथिल हो गया हो, डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा ब्लेडर के कॉन्ट्रैक्शंस क्षमता कम हो गई है, तब ये कैनाबिस इंडिका 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म लेना चाहिए। जो लोग 60 ऊपर एबव है और जिन लोगों के ऑपरेशन हो गया है एनलार्जमेंट प्रोस्टेट का, तो भी कॉम्प्लिकेशन रहता है, तो कैनाबिस इंडिका इज़ अ वर्क वेल। कैनाबिस इंडिका गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स यूरिनरी रिफ्लेक्स में बहुत अच्छा काम करता है, तो आपको ये जरूर दवा लेना चाहिए। मित्रों लास्ट एंड सुपर मेडिसिन है कोनायम। ये कोनायम कई बार कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनलार्जमेंट प्रोस्टेट होता है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनलार्जमेंट में भी काम करता है, और यंग एज में आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट न हो और आपका यूरिनरी ट्रैक में प्रॉपर यूरिन डायलेशंस नहीं होता है और आपको हाइपरटेंशन रहता है, थक जाते हो, स्वेलिंग आता है, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन आ जाता है, पर दर्दी को लेफ्ट साइड कंप्लेन रहता है, दर्दी को पेशाब में जलन रहता है, कई बार हिमेचूरिया रहता है, ऐसी कंडीशन में कोनायम दवा इज़ अ वर्क वेल, तो आपको कोनायम दवा 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। मित्रों में जनरल दवा बताया हुआ है, तो ये जनरल दवा आप लोगे तो आपकी किडनी की
मोटालिटी बढ़ाता है, किडनी की कार्यक्षमता अच्छा करता है, किडनी को टॉनिसिटी प्रदान करता है, आपका यूरिनरी ट्रैक अच्छा करता है। मित्रों, होम्योपैथिक दवा की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर किडनी के जो भी मैंने आगे जो डिजीज़ बताया हुआ है ये बहुत सीरियस डिजीज़ है। तो ऐसी कंडीशन में मेरी फिर से आपकी नम्र विनती है कि हमने जो भी दवा बताया हुआ है आपको एजुकेशन करने के लिए बताया कि जब भी आप कोई होम्योपैथ के पास जाइए तो ऐसे तरह सिम्टम बताइए जाकि जो फिजिशंस होता है उसको कॉन्क्लूजन आए और आपका डायग्नोसिस भी बताए। अभी तो जो मॉडर्न डॉक्टर होते हैं, जो लोग MD पढ़े हुए होते हैं, ये आपके सब जो जो एलोपैथिक में जो उनका डायग्नोसिस होता है ऐसे तरह ये लोग भी डायग्नोसिस करते हैं, तो आपको एक किडनी के सीवियर डिजीज़ में बचा सकते हैं और आप लाइफ लॉन्ग अच्छे हो सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।